बीएसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। एमजी बिरादर हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर पृथ्वीराज बिरादर सर जी का बर्थडे मनाया गया। इस मौके पर मौजूद रहे नरसिंह रेड्डी गदलेगांव, शांतापा जी पाटिल फाउंडर चेयरमैन अक्का माधवी मेडिकल कॉलेज बीदर, मल्लिकार्जुन मेत्रे, मारुति शिंदे, भीमशाह सीएमसी मेंबर और इनके कई सारे फॉलोअर्स भी मौजूद रहे। आज बसव कल्याण में डॉक्टर पृथ्वीराज बिरादर का आज हम जन्मदिन मनाने आए हुए हैं। इस मौके पर बीदर अक्का माधवी मेडिकल कॉलेज के फाउंडर चेयरमैन श्री शांतापा जी पाटिल साहेब, सरकारी नौकर संघ के तालुका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन मेत्रे साहेब, मंच पर विराजमान डॉक्टर संदीप रंगदास सर, उसी तरह भीमशाह फुले सर, यहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब के फॉलोअर्स, इस मौके पर मैं डॉक्टर साहब को दिल के गहराइयों से ढेर सारे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो 100 साल जिए, क्योंकि बसव कल्याण को डॉक्टर साहब की ज़रूरत है। ये बिरादर हॉस्पिटल एक फेमस हॉस्पिटल है बसव कल्याण, ये पब्लिक की सेवा 24/7 कर रहे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी इमरजेंसी आता है रात के समय, कोई उसका टाइम का लिमिट नहीं, जब भी आते हैं उस पेशेंट को एक्सेप्ट कर लेकर तुरंत चिकित्सा करने का जो काम कर रहे हैं, ये श्लाघनीय कार्य है। इसलिए मैं इस मौके पर अल्लाह में से प्रार्थना करूंगा, ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है इस बसव कल्याण को। इसी मौके पर मैं खुशी जाहिर करता हूँ कि भैया बिरादर हॉस्पिटल को पटेल सर, परसों में हम शिंदे साहब थे, गुजरात से पेशेंट आए थे, आंध्रा से पेशेंट आ रहे, एक दौर था बसव कल्याण के पेशेंट हैदराबाद पुणे सोलापुर जाते थे, लेकिन आज डॉक्टर बिरादर सर, संदीप सर जैसे लोग यहाँ पर हॉस्पिटल खोलने की वजह से बसव कल्याण जनता को उमरगा जाना नहीं पड़ रहा, सोलापुर जाना नहीं पड़ रहा, जो यहाँ पर इलाज होता है उससे भी बेहतरीन इलाज यहाँ पर हो रहा है। इसलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी और गर्व महसूस होता है। बसव कल्याण आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा सर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, सामाजिक कार्य का क्षेत्र हो, सोशल रेवोल्यूशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बसव कल्याण बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। इसका मूल कारण है यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों की सोच, बिरादर जैसे लोगों की सोच की वजह से, अच्छे सोच की वजह से बसव कल्याण में एक प्रकार का रेवोल्यूशन हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये रेवोल्यूशन न रुके, ऐसा ही कंटिन्यू चले। आने वाले दिनों में पूरे लोगों के सहयोग, ये जो रफ्तार है प्रोग्रेस का, इस रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए बसव कल्याण को हमारी एक ख्वाहिश है। इस मौके पर, जन्मदिन के मौके पर, मैं मेरे खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि बसव कल्याण जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट बने। और इस मौके पर आप फिर एक बार, मैं डॉक्टर पृथ्वीराज बिरादर, वे मेरे छोटे भाई है, उम्र में मैं बड़ा हूँ लेकिन वो औंधे में मुझसे भी बड़े हैं, मेरे से भी उनकी विचार बड़े हैं। इस मौके पर मैं फिर एक बार तमाम लोगों की ओर से, बसव कल्याण जनता की ओर से, मैं दिल की गहराइयों से उनको जन्मदिन के ढेर सारे शुभकामनाएँ देते हुए मेरे बातों को विराम करता हूँ।